उर्वशी रहती थी। उर्वशी तो उर्वशी ने जाखन नजर पार्थ बढ़ा रही है तो भौका लाल भैया अरे अर्जुन को जब देख लियो और नजरी उर्वशी डारी है और सुंदरता मन में भाई सोई मोही गई अपुढ़ारी है। दादा सुनिए ध्यान लगाई पीछे भवन अपने में आई अरे काया को रही है सजाए जैसे अर्जुन पे नजर डारी अपने शरीर को सजाया है उर्वशी ने और शरीर को सजाया कैसे हमारे गुरुजी महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री ने बताया कैसे अरे तेल फूले खूब के सन में लियो डारी अरे तेलऊ फूले खूब के सन मिलियो डारी और भरे के सिंदूर मांग पटिया लई समार अरे भरे के सिंदूर मांग पटिया लई समार और शीश फूल बेनी और सोने की लई डारी अर्जुन के सामने पर जाने के लिए श्रृंगार सजा रही किस तरीका से अरे कान कंदा मुला ही जड़ाऊ बेना बंधी रहे और बारन की लट जाम सांचे खूब गुढ़ी रहे अरे बारन की लट जामे सांचे खूब गुढ़ी रहे और भौने के ऊपर सितारे खूब चढ़ी रहे ए, काया को सजाए रही है किस तरीका से अरे पाए बरा बाजू बंदा पैरी लगे जंग नारा और गोरिया का लाइता में चूड़ी पैरी नगर अरे गोरिया का लाइता में चूड़ी पैरी नगदार और वो हारो है वेल और गुल्ली बंदा खंगनार अर्जुन के सामने पर पहुंची तब हुआ क्या अरे दिल की बात एक बतलाऊ देख तो और इन्हने पठाई में तो भोग वे कुआई तोई अरे इन्हने पठाई में तो भोग वे कुआई तोई और खोले दे की मारा निक भीतर कुले ले बोई धर्मराज युधिष्ठिर जिस समय पर उर्वशी ने अपनी काया को सजा करके अर्जुन के सामने पर पहुंची जवाब दिया इंद्र ने पठाइयों वो तो भोग वे आई तब धर्म सुत सुनिए ध्यान लगाई और इतने शब्द सुने ही उर्वशी के अरे अर्जुन ने करिए इनकार Thank you.
उर्वशी सज बज के सोलह श्रृंगार करके और नंद किशोर भैया जैसे ही और अर्जुन के सामने पर पहुंची, अर्जुन ने स्पष्ट मना कर दिया। जैसे ही मना किया है तो उर्वशी अर्जुन ते बोली का है, अरे काहे कुंगर भाई रो इतनो मन इतरानो मति अर्जुन चिंता करिए तेरो नहीं लगे ठिकानो पार्थ सत्य रही समझ आई दुखी भाव मन भारी मेरो अरे तो हिजड़ा रही यू बनाए जा, मैं तुझे श्राप दे रही हूं तू हिजड़ा हो जा। अरे भैया ते बात सुनी सब देवता बाजी की उर्वशी के पास आए, इंद्र ने की उर्वशी तुमने जी का करो, अरे आगे चल करके बहुत ही बड़ा संग्राम होगा महाभारत युद्ध, और महाभारत का युद्ध धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन के बल पर लड़ेंगे और तू नहीं जड़ा बना दो। हे भैया इतनी बात सुनी जवाब दो देवताओं, अब श्राप लग गो है तो वापस तो है ना सकत, थोड़ो कम है सकत हो तो कमी कर दे, एक वर्ष के लिए हिजड़ा रहेगा। और व्यास महात्मा समझा रहे धर्मराज युधिष्ठिर, अब वो एक वर्ष यहां से स्टार्ट होगी, आज नाम बदल दिए और आगे बढ़े हैं और पहुंचे कहां, विराट नगर की सीमा पर पांचों पांडवा और द्रौपदी संग में विराट नगर की सीमा पर पहुंच गए। विराट नगर की सीमा पर जिस समय पहुंचे हैं तब अर्जुन ने कही अपने भैया युधिष्ठिर से, भैया अरे एक बात बताओ, अगर हमें हत्यारों संग ले जाएंगे तो कोई पहचान नहीं लियो हमें, कौन आया तुम्हें, तो जवाब दो करे का, तो कर्म कौन सा किया है। और सवनी तनती खोली धरे एक गठरी लई बनाई है, छोटो भैया नकुल हतो एक परिगयो ब्रच लखाई है, कमी पे गठरी दई टंगवाई जाखन नकुल उतर की आयो, अरे सोई धर्म रे समझ पर सब हथियार बांध के और वृक्ष पर टंगवा दे, जब वृक्ष पर टांगे अब भीम ने कही अपे बड़े भैया ते भैया वैसे तो तुम मोए मोटी बुद्धि को कहते हो लेकिन एक बात सुनो,
अब जी हथियार अब तुम्हें टांग दे और ये 100 रुपए का पुरस्कार प्रमोद भैया की तरफ से है और 100 रुपए रिंकू भैया जी की तरफ से हैं और 100 रुपए हमारे रघुनंदन हैं उनकी माता जी हैं। भगवान से आशीर्वाद की कामना करते हैं ऐसे लोगों का आशीर्वाद हमारे सर पर बना रहे। ध्यान रखना भीम ने की भैया वैसे तो तुम बहुत मोटी बुद्धि को कहते हो और काउ तरीका ते पौ चुकाए वे आए और लगी घाम और जब पेड़ के नीचे बैठे गए ऊपर देखो तो पेड़ जे हथियार न तो ले आवे हो। हे धर्मराज ने कही भीम तू नहीं जानता ये इन हथियारों को कोई नहीं चला सकता तुम्हारे बिना। अब नाय मानो और भीम ने देखो का सामने थी लाल भैया अरे तब सोच तू भी मुधनी तब सोच तू भी मुधनी अरे तब सोच तू भी मुधनी अरे तब सोच तू भी मुधनी नगर थी आई रही है भीड़ घनी नगर में आई रही है भीड़ घनी नगर से आई रही है भीड़ घनी नगर से आई रही है भीड़ घनी टिकटी पे कसी रही है एक हजनी टिकटी पे कसी रही है एक हजनी टिकटी पे कसी रही है एक हजनी अरे टिकटी पे कसी रही है एक हजनी भीम के मन में बात बनी टिकटी पे एक मुर्दा को कस करके और गांव बाए शमशान में जलाए के लिए जा रही। तब भीम ने कर्म कौन सा किया कपड़ा उतार के रखे केवल एक लंगोट पहना है ऐ पूरे शरीर पर रेत मारो और बाई मरघट के लिए दौड़ दिए। जैसी मरघट के लिए दौड़ दई तब हुआ क्या अरे टिकटी धरी लई मरघट में और रे सब सलाह बनाई है भीम से नीत भाजीरो जाकी कर रही है भीर लखाई है जामी बलो बहुत यकूत दादा अब ही तागु लगो ना मरघट में अरे मरघट में आए गए भूत आए ध्यान रखना एक ने की सुनो 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 ए अभी तो दाग लगाऊ ना मुर्दा को ओ मरघट में भूत आएगो इतनी बात सुनी भाव कराल भैया अरे टिकटिया छोड़ी भीड़ भरी आई 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 कोई नहीं पीछे कर तू लखाई कोई नहीं पीछे करे लखाई कोई नहीं पीछे कर तू लखाई कोई नहीं पीछे करे लखाई बुढ़िया लई उठाई बुढ़िया लई उठाई से
भाई ब्रज ते आएगो जा पे हथियार टंगरे ओ कर्म कौन सो करो करमी रसी पकड़ी लई दादा एक फन्ना लोह बनाई है कसीगर धनवी डारी दो जाए ले गयो पवन उठाई है दादा सुनिए ध्यान लगाई पेड़ के ऊपर पवन सुत आयो अरे जाने पेड़ जाइए लटकाए